क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होता है अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो ही ना? कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन नियम होता है? कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती किसके लिए है? तो जवाब है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है किसी देश या स्टेट को। फिर देश क्या होता है, स्टेट क्या होता है? सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि एक ही रेस, एक ही रिलीजन, एक ही फ्लैग, एक ही लैंग्वेज और एक ही गवर्नमेंट को फॉलो करने वाले लोगों को हम एक नेशन का नाम देते हैं, और इसी नेशन को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। पर क्या इन बातों पे, इस डेफिनेशन पे भारत को फिट किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में 398 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 387 अभी भी बोली जाती हैं। भारत में 8 मेजर धर्म हैं, जिसमें हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ऐसे धर्म भी आते हैं। इन धर्मों के विचार सिर्फ अलग अलग नहीं हैं, काफ़ी बार एकदम परिवर्तित है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट। अगर किसी एक धर्म में किसी एक चीज़ को माना जाता है तो दूसरे धर्म में उसके जस्ट अपोजिट चीज़ मानी जाती है। ऐसे देश को एक साथ रखना, डाइवर्सिटी इन यूनिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो कहते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ ए नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइंस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टेन राइट्स टू द पीपल इन इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक सीमित आज़ादी देना, मतलब एक ऐसी आज़ादी जिसमें सब खुश रह सके, कोई किसी को हार्म ना करे, ठीक है? आज़ादी एक रूम में आराम से रहने की। अगर आप उससे अलग गए तो आपको उससे दूर जाने के लिए आपको सज़ाएं भी मिलेगी। ये होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात अगर कही जाए कि कब से शुरू हुई, तो बात शुरू होती है 1857 के सिपाही वॉर से, जिसमें पहली बार भारत के संविधान की रचना की सोच सामने रखी गई। पर जैसे कि हम जानते हैं कि राजे रजवाड़ों की आपसी मतभेद के कारण यह युद्ध सफल ना हो सका, पर इसकी गूंज से अंग्रेजों को भारत की शक्ति का आभास हुआ और उनको समझ आया कि विरोध रोकने के लिए अगर ये रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें रोकनी हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ भारत की डिमांड माननी होगी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पहले की गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन थी, उन्होंने 1857 से ही शुरुआत, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाया गया। ईयर 1919 में प्रीएम्बल पहली बार ऐड किया गया था, जिसके कारण 1927 में एक कमीशन, जिसको साइमन कमीशन कहते थे, की रचना हुई, जिसका मेन पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को प्रपोज करना था। चूंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, तो भारत के लीडर्स, जिसको उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, खुश नहीं थे। वे जानते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटिश द्वारा लिखा गया है, वह कभी आज़ाद भारत या भारतीय को सच्चे अधिकार नहीं दे पाएगा। इसके कारण 1928 में भारतीय कांग्रेस ने अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की हेड नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू थे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान रखा गया। जिन्ना, जो स्वयं को स्वयं ही मुस्लिमों के हुक्मरान मानते थे, उन्हें यह डर था कि नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिमों को अधिकार नहीं दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने 14 पॉइंट्स अंग्रेजी सरकार को सौंपे, जिसके कारण ईयर 1932 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई और फिर इंट्रोड्यूस हुआ लॉन्गेस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं। पर यह एक्ट, जो हमें ज़्यादातर ऐसा लगता है कि सारी जड़ों, सारी प्रॉब्लम का समाधान रहा होगा, उसके कारण ही एक्चुअल प्रॉब्लम सामने आई। इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिससे ना सिर्फ भारत के विचारों का मतभेद हुआ, बल्कि हमारे भारत का सेपरेशन हुआ और एक नए देश, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, का जन्म हुआ। क्या रही होंगी ये दिक्कतें, क्या क्या प्रॉब्लम और फेस हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।